जय मसीह की। मत्ती उसका 13 अध्याय और 47 से लेकर 50 तक पढ़ना। वहाँ पर परमेश्वर ने ऐसा कहा कि स्वर्ग का राज एक जाल के समान है जिसको लोगों ने समुद्र में डाला और फिर जब उसको बाहर निकाला तो जो काम की चीज़ें थी वो अपने पास रखी, बाकी सब कुछ निकाल कर फेंक दिया। उसी तरह से इस संसार के अंत में भी होगा कि जो ठोकर खिलाने वाली बातें हैं उसको परमेश्वर बाहर अंधकार में डाल देंगे। वहाँ उनको रोना और दांतों का पीसना होगा और धर्मी लोग परमेश्वर के राज में आनंद करेंगे। तो ये एक दृष्टांत वहाँ पर प्रभु से ने दिया। तो जाल जो है वो क्यों डाली जाती है? तो जाल इसलिए डाली जाती है कि मछली आए और मछली फंस जाए। तो मछली जो है वो समुंदर में रहती है, समुंदर से ही नमक बनता है। लेकिन जब भी हम मछली घर लाकर बनाते हैं तो हमें उसमें नमक डालने की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कि उस मछली के अंदर नमक नहीं होता। तो परमेश्वर ये कहना चाहते हैं कि जिस समुंदर में मछली रहती है जो पूरा नमक से भरा हुआ है, फिर भी उस नमक को अपने अंदर नहीं आने देती। उसी तरह से हम विश्वासी जो है वो मछली के समान है, क्योंकि जाल मछली के लिए डाली गई थी और मछली को ही परमेश्वर के राज में लिया जाएगा। मतलब मछली मतलब विश्वासी। तो विश्वासी लोग इस समुंदर में मतलब कि संसार में रहते हैं और संसार पूरा दुष्ट के वश में है, मतलब शैतान के वश में है और पापों से भरा हुआ है। लेकिन मछली मतलब विश्वासी को इस तरह से जीवन जीना है कि वो संसार का पाप, वो दुष्ट की बातें अपने अंदर ना आने दे। तो हमें इस तरह से जीवन जीना है। लेकिन फिर भी लोग जो मछली पकड़ने वाले होते हैं वो समुंदर में या कहीं पर भी वो गल डालते हैं, और जब वो गल डालते हैं तो उसके अंदर ऐसी एक कील होती है जैसे इस तरह से होती है जिसको कांटा बोलते हैं, और उसके ऊपर वो लोग क्या करते हैं, मछली को खाने वाली चीज़ जो है वो उसके ऊपर लगा देते हैं। जब वो पानी में जाती है तो मछली जो है उस खाने वाली चीज़ को देखती है, लेकिन साथ में जो कांटा है उसको दिखाई नहीं देता। कांटा छिपा हुआ नहीं है, वहीं पर सामने ही है। अभी उसको दिखना चाहिए कि अगर मैं खाने के लिए जाऊंगी तो क्या होगा, कांटा मेरे मुंह में फंस जाएगा और मैं उसके हाथ में आ जाऊंगी और खाने के चक्कर में मैं मर जाऊंगी। तो बहुत सारी मछलियाँ ऐसी होती है जो उसको नज़रअंदाज करती है और वो चीज़ खाने के लिए नहीं जाती, लेकिन कुछ ऐसी होती है जो लालच से भर जाती है। अभी समुंदर में परमेश्वर ने मछली लोगों के लिए खाना रखा ही है, लेकिन फिर भी कुछ मछलियाँ जो है वो खाने के पीछे भागती है और जैसे उसको मुंह में लेती है वैसे ही उसको पता चल जाता है कि मैं फंस गए, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। तो आज संसार में ऐसी ही बातें हो रही है, चारों ओर महामारी फैली हुई है, बीमारियां है, कोरोना है, लोग डर रहे हैं और दवाइयां वैक्सीन, लेकिन ये है क्या, ये कांटा है जो आज लोगों को दिखाई नहीं देता। परमेश्वर ने कहा है प्रकाशित वाक्य में, एक आखिरी दिनों में मसीह का विरोधी आएगा, वो अपनी मुहर लोगों को अपने सर के ऊपर या हाथ में दिलाएगा, और जो को उसकी मुहर नहीं लेगा ना तो वो खरीद सकता है, ना बेच सकता है, ना जॉब कर सकता है। और देखने जाओ तो आज वो परिस्थिति समझो आ ही चुकी है, और वैक्सीन नहीं तो जॉब नहीं, वैक्सीन नहीं तो सफ़र नहीं, ये धीरे धीरे होने के लिए जा रहा है। लेकिन लोगों को यही दिखता है हम कोरोना से बच जाएंगे, हम कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन कांटा दिखाई नहीं देता और लोग भाग रहे। मछली बनो, लेकिन होशियार मछली बनो, सावधानी बरतो, जो भी खाना मिल रहा है तो देखो कि वो हमें मुफ्त में क्यों दे रहा है,
वो सस्ते में क्यों दे रहा है, क्यों इतना उसके पीछे पड़ा है कि ले लो खा लो खा लो, जबकि बाज़ार में और बहुत सारी चीज़ें, क्यों हमको गेहूँ नहीं देते, क्यों चावल नहीं देते, क्यों तेल नहीं देते। इसलिए जो पीछे कांटा है ना उसको देखो, कहीं ऐसा ना हो फंस जाओ और जब दम निकल जाए तब पता चले। इसलिए सावधानी बरतो, होशियार बनो, कांटे को देखो, सिर्फ खाने के पीछे मत भागो, लालच को छोड़ दो। परमेश्वर आपको आशीष दे, आमीन।